गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एम फैमिली। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और मेरे एज यूजुअल मेरे व्लॉग को इंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे आपने देखा कि कल वाला मैंने व्लॉग कंबाइन करके दो दिन का जोड़ जाड़ के आप लोगों को दिखाया है। एक्चुअली इसीलिए मैंने आपको बता भी दिया था कल, तो आप लोग को तो देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और आज के व्लॉग के लिए भी मैं बता दूं कि आज का व्लॉग भी मैं ऐसा ही कुछ ट्विस्ट ट्विस्ट करने वाली हूं। एक्चुअली क्या हुआ है, जब संडे को मेरे यहाँ कीर्तन भजन हुआ था तो उसमें बहुत ज्यादा वीडियोस बन गए, बहुत ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस हुई, सब कुछ हुआ, बातचीत, मिलना जुलना, आना जाना, तो और खाना पीना जो भी जितनी भी फुटेज थी तो वो एक ब्लॉग में नहीं आ पाई। और लोगों को ये अभी शिकायत है कि मतलब वो वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया, तो मैंने सोचा है कि ठीक है मैं आज के ब्लॉग में फिर से सिर्फ और सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही सबकी डालूंगी, ताकि आप लोग सब लोग अच्छे से सबके डांस परफॉर्मेंस देख लो, इन्जॉय करो और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करो और सब कुछ कर इंजॉय करो। तो ये भी रेडी हो चुकी हैं, रेडी हम भी हैं, पंडित जी का आने का वेट है, पंडित जी आए पाठ करके। और आज है डे 8 मतलब अष्टमी, तो पंडित जी बस जहां तक है आज ही तक पाठ करेंगे, क्योंकि एक दिन उन्होंने दो बार पाठ कर दिया था। जैसे मेरे यहाँ पूजा थी, कीर्तन भजन था, तो उस दिन उन्होंने एक पाठ सुबह एक पाठ शाम दो बार कर दिया था, तो इसलिए अब वो कल पाठ नहीं करेंगे, आज उनका लास्ट पाठ ही होगा। तो जब आएंगे मैं दिखा दूंगी, आरती होगी आपको दिखा दूंगी। तो ये चीज है। और आज के ब्लॉग के बारे में मैं जो बता रही थी, ये बीच में आके डिस्टर्ब कर गई, तो मैं यही बता रही थी कि आज के ब्लॉग में आपको सबके परफॉर्मेंस डांस के, सबने बहुत अच्छा डांस किया था, सबके डांस इतने सबको अच्छे लगे थे, सबको बहुत पसंद आया। और सबके मेरे पास फोन भी आया, ये भी आया, अलग से सब लोग मांग भी रहे थे कि मुझे व्हाट्सएप में इसका दो उसका दो, तो मैंने सबको दे भी दिया है। लेकिन तब भी मैं सोच रही थी कि मैं एक बार फिर से ब्लॉग में डाल दूं, ताकि आप लोग अच्छे से देख सको बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो इसीलिए आज के ब्लॉग में सबकी डांस परफॉर्मेंस मैं लाइन से डाल रही हूं, आप लोग इंजॉय करना, देखना, कॉमेंट कर देना सबके लिए, क्योंकि सब लेडीज हैं, बड़ी हैं, तो उन लोगों के लिए एक एक कॉमेंट तो जरूर कर देना। तो बड़ी मेहनत से करती है, हिम्मत लगती है डांस करने में, भाई वो होता है, तो एक बार कर देना मैसेज, एक छोटा सा मैसेज कर देना, एक लाइक कर देना, कुछ भी कर देना, कर जरूर देना। तो इसलिए आज आपका आज का व्लॉग ये देना। बाकी मैं आज घर पर ही हूँ, कहीं ज्यादा नहीं जा रही। हाँ, शाम को मंदिर जरूर जाऊंगी, आज और कल दो दिन ही और जाना है, तो आज और कल मंदिर जाऊंगी। और हाँ, जो मंदिर मैं अब ये दूसरे वाले मंदिर जाने लगी हूँ, जहाँ से दो दिन से तीन दिन से जा रही हूँ, तीन दिन हो गए ना, हाँ, तो तीन दिन चार दिन से जो मैं जा रही हूँ, वहाँ पे आज जागरण है, आज मतलब अष्टमी का आज उनके यहाँ जागरण है। तो शाम को वो 6 बजे जो रोज वहां पे दिया बत्ती वो सब भजन भजन होते हैं, वो आज वहां पर नहीं है। सीधे रात में 11 बजे से रात भर पूरा रात में 11 से लेके सुबह 5 बजे तक जागरण है। तो अब मैंने मुझे बोला तो है आने के लिए, बट टाइम ऐसा है कि मैं कुछ पक्का नहीं बता सकती कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी हस्बैंड को, क्योंकि अब इतनी लेट कैसे जाऊंगी, अपने से तो जाऊंगी नहीं, तो हस्बैंड से पूछना पड़ेगा कि वो ये तो नहीं है कि वो फ्री नहीं है रात के 11 बजे, ना तो कोई ऑफिस है ना कुछ काम है उनको, बट यही बात है वो ले जाएंगे मुझे कि नहीं ले जाएंगे, आई डोंट नो, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो शाम तक मैं उनसे पूछ के मैं बताऊंगी, अभी तक तो मैंने उनको जस्ट बताया है कि जागरण है, मुझे जाना है या नहीं जाना है ये मैंने उनको नहीं बताया, तो मैं एक बार धीमे से पूछ के देखूंगी कि अगर ले चलोगे तो अच्छा है, थोड़ा ब्लॉगिंग भी कर लूंगी और थोड़ा लोगों से मिल मिल के आऊंगी, और मैं कभी जागरण में गई नहीं तो मैं देख भी लूंगी। तो ये शाम तक पता चलेगा कि वो चलेंगे कि नहीं चलेंगे। 1 घंटे के लिए जाऊंगी, अगर 11 बजे से है तो 11 से 12 एक घंटा रुक के थोड़ा बहुत देख के क्या हो रहा है सब देख के थोड़ा सा वीडियो बना लूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं, दर्शन कराऊंगी, प्रसाद चढ़ा दूंगी और बस चली आऊंगी। सुबह 5 बजे वो जागरण खत्म होगा, तो 5 बजे तो जाना पॉसिबल नहीं है। मैं तो उठ जाती हूँ, बट बेटी नहीं उठती, मैं हस्बैंड मेरे दोनों ही जल्दी उठने वाले हैं, 5 बजे तक उठ जाते हैं, बट इसका नहीं, इसको कहाँ लेके छोड़ के जाऊँ, क्या करूँ, तो सुबह तो जाना इम्पॉसिबल है, तो खैर जरूरत नहीं। और कल सुबह मेरे घर में कन्या खिलानी है और हवन भी होना है, सब कुछ है, तो इसलिए शाम को बस वही दिया जलाने जाऊंगी मंदिर और आपको दिखाऊंगी। और रात में अगर मैं हवन में सॉरी इसमें क्या है जागरण जागरण में गई तो जरूर आपको वहां पे दिखाऊंगी कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और पीछे मैंने वो सब जो सब हुआ था सेटअप, वो सब अब साफ हो गया, ठीक ठाक हो गया, सब चेंज हो गया है, पंडा अपनी जगह पर वापस आ चुका है, तो काफी सब कुछ हो गया, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, मैंने सब आपको बता दिया कि आज के ब्लॉग में मैं दोबारा से सबकी डांस परफॉर्मेंस से डाल दूँ, सब एक जगह पे आप लोग आराम से उन लोगों की परफॉर्मेंस देख लो और इन्जॉय करो। तो बस इतना ही, और बाकी मैं शाम को जब निकलूंगी मंदिर के लिए तब मैं आपसे मिलती हुई जाऊंगी, और तब तक के लिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैया की को रगम देखो मैया की को रगम देखो।
Hi.
I'm
हेलो दोस्तों, मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, घर आ गई हूँ और मैंने खा भी लिया है। मैं खाना मूँगफली जो शाम को खाती हूँ वही मैंने खा लिया, और नमक खाने के बाद ऐसे भी बहुत अजीब अजीब सा लगता है, तो वही हो रहा है। तो ब्लॉग पूरा मैंने कर दिया है, बस इस ब्लॉग को करना ही यहीं पे एंड। चेंज मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी बजे हैं 9:30। मैंने खा लिया है, इन लोगों को भी खाना दे दिया, ये लोग अंदर खा रहे हैं, और मैं अभी चेंज इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी कहीं निकलना है रात में। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये मैं आपको बताऊँगी कल के ब्लॉग में। तो जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के संग, फैमिलीज़ के संग, रिलेटिव्स के संग, फ्रेंड्स के संग, तो ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ सकें और मैं भी फेमस हो सकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा घरों में दिखाई दूँ। तो बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए कि मेरे हाँ सब्सक्राइबर्स बढ़ें, कि नथिंग एल्स। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई वो है लालच है पैसों का, नॉट बढ़ाओ, बढ़ने चाहिए ना, तो उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी कल बताऊंगी कि मैं आज रात में कहाँ जा रही हूँ, इसलिए मैंने चेंज वेंज नहीं किया, मैं एकदम रेडी बैठी हूँ। हाँ, खा लिया है और इन लोगों को भी खाना खा लिया, तो 11:30 बजे मुझे निकलना है रात में, तो खाना तो छोड़ के नहीं बैठ सकते ना, खाना तो खा लिया। और कल नवमी है, कल घर में कन्या खिलाऊंगी, नवमी का हवन होगा, पूजा वूजा जो भी होनी है, रामनवमी की भी होगी, थर्सडे है तो थर्सडे की भी पूजा होनी है, सब कुछ है। तो सुबह का ब्लॉग हो सकता है, सुबह ब्लॉगिंग स्टार्ट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट ट्राई पूरा करूँगी। बट कल बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ, तो कन्या वगैरह सब दिखाऊँगी आपको कि कैसे क्या मैं करती हूँ, क्या खिलाती हूँ, क्या नहीं खिलाती हूँ। जल्दी उठना भी है कल सुबह, तो देखती हूँ, अभी रात में भी काम है, अभी निकल रही हूँ तो आते आते 12-1 बजे जाएगा, तो आऊँगी फटाफट चेंज करके सो जाऊँगी और सवेरे आराम से 5-6 बजे तक उठ जाऊँगी। फिर उसके बाद देखती हूँ, तब से स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है एक्चुअली, जब से एग्जाम शुरू हुए हैं, एग्जाम 21 को खत्म हुए, 22 को नवरात्रि, तो रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए फेस अजीब अजीब सा लग रहा है। एक बार नवरात्रि खत्म हो थोड़ा सा होगा, लेकिन नहीं, उसके बाद भी मेरा हेक्टिक ही रहेगा क्योंकि मुझे रोज ही बाहर निकलना होगा, कुछ काम है। बताऊंगी आपको कि क्या काम है क्या नहीं है और क्यों मुझे बाहर निकलना है, किस लिए निकलना है, डेली ही कुछ ना कुछ काम के लिए निकलना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत से काम हैं जो घर के हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं, कभी एग्जाम्स की वजह से, कभी नवरात्रि की वजह से, तो उन्हें एक एक करके निपटाना है। और बाकी एक और भी है जो मैं आपको बाद में बताती रहूंगी, का दिन में बताती रहूंगी कि क्या है, क्यों मुझे बाहर निकलना है रोज। तो बने रहिए ब्लॉग से, पता चलता रहेगा कि मुझे क्या काम है। एनर्जी थोड़ी कम है मानती हूँ क्योंकि 8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं फास्ट के, तो थोड़ा सा तो एनर्जी लो हो ही जाती है, जो फास्ट रहता होगा उसे ठीक ही पता होगा कि क्या है, लेकिन फिर भी टच वुड बाकी टाइम से इस बार मैं उतनी लो नहीं हुई हूँ जितनी मैं पहले हर बार हो जाती थी। बट फिर क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, अपना देखो, पूजा पाठ, फिर पंडित जी का इंतजाम करो, फिर घर वालों को खाना पीना, सुबह नाश्ते से लेकर रात तक का खाना, फिर मंदिर भी शाम को जाना, घर में अगर सत्संग मतलब वो कीर्तन रखाया, दूसरों के कीर्तन में डेली कहीं ना कहीं से ही रहा है, कुछ ना कुछ आना जाना, तो उस वजह से इस हिसाब से फिर भी एनर्जी लेवल टचवर्ड ठीक ही है, अदरवाइज तो मैं अब तक बिल्कुल डाउन हो चुकी होती। तो माता रानी की कृपा है और कुछ आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, जो मैं अभी तक ठीक हूँ। बट यही है कि हाँ थोड़ा बहुत एनर्जी कम होगी, बट वो ये होता है ना कि अभी अभी थोड़ा सा खाया है, बस नमक गया है, तो उस वजह से भी हो सकता है। बट बाकी मैं बताती हूँ आपको कल के ब्लॉग में कि मैं कहाँ गई थी और क्या करने गई। ब्लॉग में आपको देखी जाएगा, आपको पता ही चल जाएगा कि हम कहाँ गए थे। तो मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिसने अब तक ना किया, और मिलती हूँ कल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।